for a democracy where different parties and independent candidates participate with each other to earn the voters' mandate and represent them in the House of Elected Representatives. A vote is meant to be a social contract based on faith and facts. Part 15 of the Constitution of India consists of articles on election. Article 324 of the Constitution provides that the power of superintendence, direction and control of elections to Parliament, state legislatures, the office of the President of India and the office of the Vice President of India shall be vested in the Election Commission. One of the most heartening features of the press briefing by the Election Commission of India on the day General Elections 2024 was announced, it was emphasized that it would be on the level of playing field. The CEC said that it would be ruthless. Matlab, Hindi mein agar hum ruthless ko bole to usko bola jata hai berehm ya fir nirmam. In dealing with complaints of action that disturb the level playing ground. आज मैं इलेक्शन कमीशन से ये पूछना चाहती हूँ कि वो अगर कह रहे हैं कि वो रूथलेस होंगे, निर्मम होंगे, उनके खिलाफ जो लोग मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो फिर इतना दयालु या फिर कृपालु कुछ लोगों के प्रति क्यों है। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण आज देने वाली हूँ जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। हम लोगों ने बहुत सारे कंप्लेन्स सीईओ को किया है, आरओ को किया है, पर अभी तक हमें सिर्फ ये चिट्ठी लिखा जाता है कि वी आर लुकिंग इनटू इट। हमने आज शाम का टाइम मांगा था एक डेलीगेशन लेके जाने के लिए, पर हमें कहा गया कि आप कृपया मेल करें फिर आपको समय दिया जाएगा। विपक्ष की पार्टियों के लिए ऐसा व्यवहार ठीक। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि ये चिट्ठी 31 मार्च को लिखा गया था जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने परमिशन मांगी थी अपने होर्डिंग्स लगाने के लिए। हमारे 300 कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखे हुए हैं और हमारा वेंडर का भी नाम लिखा हुआ है इसमें कि कौन काम करे। इसके जवाब में हमारे पास रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब आता है, इन परस्यूएंस टू योर एप्लीकेशन डेटेड 30/3/24 फॉर डिस्प्लेइंग बिलबोर्ड यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द गाइडलाइन ऑफ एमसीसी एंड दिस इज फॉर योर काइंड एंड नेसेसरी एक्शन। मतलब ये बोला गया है कि आप अगर एमसीसी के रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। इसको फिर सब्सटैंशिएट करने के लिए मैं आपको एक और पेपर से अवगत कराती हूं जो इलेक्शन कमीशन से हमें मिला है। इस डॉक्यूमेंट के पहली दूसरी पेज के बिल्कुल ऊपर क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के आपको सुनाती हूं। इलेक्ट्रिकल एडवर्टाइजमेंट्स प्रपोज्ड टू बी इश्यूड ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग ऑडियो विजुअल डिस्प्लेस एट पब्लिक प्लेसेस रिक्वायर प्री सर्टिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये लिखा हुआ है बट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फ्लेक्स होर्डिंग्स वॉल पेपर्स एंड पैम्फलेट्स। दूसरे पेज में और इसको इलेक्शन कमीशन ने या फिर इलेक्शन डिपार्टमेंट ने जारी किया। तो मैं इलेक्शन कमीशन से ये पूछना चाहती हूं कि जब इन्होंने कहा है इतनी क्लियरली कि इसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है तो पिछले दो दिन से कांग्रेस पार्टी की होर्डिंग्स को क्यों हटाया जा रहा है, ये पहली बात। मैं दूसरी बात आपको और दिखाती हूं, जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी की होर्डिंग्स लगी हुई थी वहां पर होर्डिंग हटाकर भाजपा की होर्डिंग लगा दी गई है ना। और मैं खुद एक
सेक्शन करके आई। आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी का होर्डिंग लगा हुआ है। आप दूसरे पेपर पे देखिए, हर जगह में उन्होंने हटाकर बस एक ही भगवा रंग का होर्डिंग लगाया। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूं कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे? क्या विपक्षी दलों का भी हक है ये पूरे प्रदेश में क्या सिर्फ भगवा रंग का होर्डिंग लगेंगे, या फिर दूसरे भी जो हमारे विपक्ष के पार्टी है उनको भी हक है एडवर्टाइजमेंट करने का? इलेक्शन कमीशन का नारा क्या है? चुनाव का पर्व, देश का पर्व। पर मैं आप सबको ये कहना चाहती हूं कि चुनाव के पर्व के नाम पर ये लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। देश का गर्व कहां से? पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके से लोकसभा इलेक्शन इंडिया में चलाया जा रहा है। कल इतनी बड़ी मीटिंग हुई है और हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब बोलते हैं कि ये फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी मीटिंग हुई है जहां पे सब चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सब इंपॉर्टेंट लोग वहां पे बैठ के उन्होंने एक डिसीशन लिया किस तरीके से इस इलेक्शन को बेहतर बनाया जाए। पर मैं उनसे पूछना चाहती हूं, अगर इस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता रहा और विपक्षी दलों के साथ अन्याय होता रहा तो ये किस तरह जा रहा है ये देश? लोकतंत्र की हत्या हो रही है और देश का गर्व बनाने के आड़ में ये लोग पूरे देश को, पूरे दुनिया के सामने नंगा नाचना चाह रही है। मैं इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहती हूं, त्रिपुरा में यहां पर जो वेंडर्स हैं उन पे क्यों गैरेंट भरा जा रहा है कि विपक्षी दल के काम आप नहीं करेंगे? आपने अगर विपक्षी दलों का काम किया तो आपको बिजनेस चलाने नहीं दिया जाएगा। आप किस तरीके का सरकार चला रहे हो जहां आप धमका रहे हो वेंडर्स को? ये लोकतंत्र है, हर एक आदमी को कमाने का हक है, हर एक आदमी को अपना मत देने का हक है। मैं इलेक्शन कमीशन से यही पूछना चाहती हूं कि ये अन्याय कब तक चलेगा? और आपको अगर लगता है कि आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो फिर आप चुनाव ही क्यों करा रहे हैं? चुनाव ही बंद करवा दीजिए, चुनाव कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत दुख की बात है कि इस स्थिति पे आज हमारा भारतवर्ष आके रुका है। রূপচর্চা কেই না বা পছন্দ করে, হোক পুরুষ কিংবা মহিলা, নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে অথবা নিজের সৌন্দর্যকে আরো ফুটিয়ে তুলতে, এখন আপনাদের পাশে রয়েছে কমলস ফ্যামিলি সেলুন। মহিলা এবং পুরুষ উভয়দের জন্য থাকছে ন্যূনতম দামে আপনাদের বিভিন্ন ধরনের সুবিধা, তাছাড়া এখন চলছে 30% ছাড়। যোগাযোগ করুন 56 HGB Road অপোজিট টু স্টেট আয়ুর্বেদিক হসপিটাল, প্যারাডাইজ, চৌমুহনী। তাছাড়া যোগাযোগের মাধ্যম
9774318879 অথবা 8731848654। এখন চলছে তাদের দুর্দান্ত 30% ছাড়। তাহলে আজই চলে যান কমলস ফ্যামিলি স্যালনে। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন, লং তরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই।